हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में सीखेंगे। प्लेन ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, उसके बारे में इंट्रोडक्शन 9th क्लास, 10th क्लास, अभी 11th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है। और 11th क्लास में तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी खासी थी, उसमें काफी फॉर्मूले थे और काफी अच्छी लेवल की थी। 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट है जिसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ये इनवर्स क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है और ये ट्रिग्नोमेट्री क्यों लगा है, क्या ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है? ऐसा अगर पूछूं तो हाँ, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का सीधा सीधा इसमें संबंध है। तो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए, और 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको अच्छे से आती है तो इस चैप्टर को पढ़ने में बिल्कुल ही कोई कठिनाई आपको नहीं होने वाली। आप इस चैप्टर को बड़े ही आसानी से 3-4 लेक्चर में 12th क्लास के लेवल तक का सीख सकते हैं। हाँ, एडवांस लेवल के लिए, जेई मेन के लिए, जेई एडवांस के लिए अगर करना होगा, जेई मेन के लिए 1-2 क्लास और चाहिए, जेई एडवांस के लिए 4-5 क्लास और चाहिए। तो कुल मिलके 10 से 12 क्लास के बीच में ये टॉपिक खत्म हो जाएगी। 10-12 क्लास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे लगेंगे तो जेई मेन एडवांस तक के लिए कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 12th तक के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और 3 के नंबर ये इस बोर्ड में मिलते हैं, इससे आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए सीखें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और इसमें क्या करना होता है। सबसे पहली बात कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमें अभी जो सीखना है वो क्या सीखना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक चीज है वो है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, और ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या मतलब है। सबसे पहले एक छोटी सी बात कहें कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक कहते थे तो इसमें क्या होता था कि एक ट्रेंगल होता था, इस ट्रेंगल में एक थीटा एंगल होता था, और थीटा के रिस्पेक्ट में सामने वाले साइड को हम अपोजिट साइड, और इसको एडजेसेंट साइड, और इसको हाइपोटेनस कहते थे, राइट? और इनके बीच में एक रिलेशन होती थी कि साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो पी अपॉन एच, ये एक वैल्यू होती थी, और इस वैल्यू को किसके किसके बीच में लाई करता था, ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता था। तो साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता था, थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, यानी डोमेन इसका कोई रियल नंबर हो सकता है, बट रेंज -1 से 1 के बीच में ही होता था। तो साइन थीटा -1 से 1 के बीच में होता था, और थीटा रखने से थीट ये क्या मिलता था, एक वैल्यू मिलता था। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन ही यही से आता है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स से सम वैल्यू, देन थीटा इज कॉल्ड साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इसका मतलब ये साइन इधर आके साइन इनवर्स होता है, और इस साइन इनवर्स ऑफ समथिंग इज एन एंगल। थीटा क्या है, एक एंगल है। तो साइन इनवर्स ऑफ एनी वैल्यू इज ए एंगल, इज एन एंगल। सो साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल, कॉस इनवर्स एक्स इज एन एंगल, टैन इनवर्स एक्स इज एन एंगल, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हिच विल बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ इनवर्स फंक्शन दैट विल रिप्रेजेंट एन एज एन एंगल। तो साइन इनवर्स एक्स का मतलब एक एंगल है। तो साइन इनवर्स एक्स अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब हम एक एंगल की बात कर रहे हैं। अब एंगल की जब बात करते हैं तो एंगल यहाँ इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल से एंगल इधर पॉजिटिव भी होता है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में निगेटिव भी होता है। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 2 क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, ये बात आप जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते, जानते हैं ना? तो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और अगले 2 क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव। हमें वो क्वाड्रेंट लेना है जो पहले पॉजिटिव हो, पहले आओ पहले पाओ के आधार पे, पहला पॉजिटिव और पहला नेगेटिव। तो अगर हम साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो साइन इनवर्स एक्स का कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है जी,
पॉजिटिव यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, निगेटिव। निगेटिव यहाँ भी होता है, निगेटिव यहाँ भी होता है, फोर्थ में होता है। यानी अगर हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वैल्यू लें तो सबसे पहला पॉजिटिव वैल्यू 0 से π/2 के बीच में आएगा और सबसे पहला निगेटिव वैल्यू जो है 0 से -π/2 के बीच में आएगा। इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव लेने के लिए ये -π/2 से π/2 के बीच का रेंज होना चाहिए। तो साइन इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी रेंज और एक्स की वैल्यू कहलाएगी डोमेन। जबकि इसमें क्या कहलाता था, थीटा की वैल्यू कहलाता था डोमेन और एक्स की वैल्यू कहलाता था रेंज। यहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये उल्टा होगा, एक्स की वैल्यू कहलाएगी डोमेन और थीटा की वैल्यू कहलाएगी रेंज। तो जब ये होगा तो ये चूंकि एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये रेंज होगा और ये चीज की वैल्यू जो होगी वो कहलाएगी डोमेन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ उल्टा नहीं है, जो वहां पे डोमेन उल्टा कुछ मुश्किल नहीं है, जो वहां पे डोमेन था यहाँ पे रेंज है, जो वहां पे रेंज था यहाँ पे डोमेन है। इसी तरह से डोमेन कहाँ से कहाँ तक, ये रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ये एक्स की वैल्यू आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए और थीटा की वैल्यू कुछ भी रियल नंबर वहां होता था, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव के लिए कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ये वैल्यू एक पॉजिटिव होगी। यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू है और एक वैल्यू निगेटिव है, तो आपको एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वैल्यू लेनी है। इसका मतलब है कि रेंज जो होगा वो -π/2 से π/2 होगा क्लोज इंटरवल, क्योंकि -1 होगा तो -π/2 और +1 होगा तो +π/2। तो इस तरह से सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उन 6 जो डोमेन और रेंज है उनका क्या महत्व है, 6 जो है उसका क्या महत्व है रेंज, डोमेन और रेंज का। तो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन और रेंज क्या होता है, उसके पैरेलल हम इसकी भी बात कर लेंगे। तो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता था, जरा ध्यान से देखिए, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में होता था डोमेन और रेंज फंक्शन जो होता था वो ये होता था। थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं, आप थोड़ा टाइम लीजिए, बढ़िया से सीखिए। फंक्शन डोमेन और रेंज, रेंज होता था ये, ठीक है रेंज। चलिए हम पैरेलल स्टडी करने के लिए इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं, फंक्शन डोमेन और रेंज, ठीक है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी इसी पे हम लिख देंगे। इसमें फंक्शन होता था एक साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा साइन यानी साइन थीटा, थीटा मतलब डोमेन, साइन कॉस को साइन पूरा नाम है, प्यार से हम कॉस कहते हैं, टैन कॉट सेक और कोसेक, ये फंक्शन होते थे। और इन फंक्शन की हमें क्या करनी है, डोमेन और रेंज पहले पता करना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है वो होता है ऑल रियल नंबर और रेंज होता है -1 से 1 के बीच में। कॉस एक्स का भी डोमेन ऑल रियल नंबर होता है और रेंज होता है -1 से 1 के बीच में, है ना। तो टैन एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, π/2 पे डिफाइन नहीं होता, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे, और रेंज होता है इसका ऑल रियल नंबर। कॉट इनवर्स का आर माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे नहीं है, इसका भी डोमेन होता है रेंज होता है ऑल रियल नंबर। सेक इनवर्स सेक का डोमेन होता है आर माइनस 2n+1 × π/2, जहां एन को इंटीजर है और इसका होता है आर माइनस एन पाई, बट रेंज इनके जो होते हैं वो होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, है ना, और इसका भी -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, ठीक है ओपन इंटरवल। अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा कि ये जो डोमेन है और रेंज है इनका काम उल्टा होगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हो, मेट्रिक में फंक्शन वही है, ध्यान से देखें, फंक्शन को उल्टा थोड़ा सा, ये है डोमेन और ये है रेंज। डोमेन और रेंज ये ध्यान रखना। तो साइन इनवर्स एक्स, ये पैरेलल इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए कि क्या था, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, तो जो इनका रेंज है वो इनका डोमेन होगा, मतलब माइनस वन से वन के बीच में, और रेंज क्या होगा तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, ये होता है क्लोज इंटरवल, है ना। तो ये है डोमेन और रेंज कि माइनस वन से वन के बीच में, और रेंज होगा वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। कॉस इनवर्स एक्स अगर होगा तो इसका भी डोमेन माइनस वन से वन के बीच में है, रेंज है जीरो से पाई, क्यों, क्योंकि जीरो से पाई बाई टू में क्या आएगा पॉजिटिव, और पाई बाई टू से पाई में आएगा निगेटिव, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव लेना है। उसी तरह से टैन इनवर्स एक्स का लेंगे तो ये होगा डोमेन जो होगा कोई भी रियल नंबर होगा, क्योंकि इसका रेंज जो है इसका डोमेन होना है, लेकिन रेंज जो होगा वो होगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, क्योंकि जीरो से पाई बाई टू तक एक होगा पॉजिटिव और जीरो से माइनस पाई बाई टू तक होगा निगेटिव। और लॉजिक क्या है लेने के पीछे, जो हमने आपको बताया कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पे, जो पहले है पॉजिटिव उसको लेना है, जो पहले निगेटिव है उसको लेना है इनिशियल पॉइंट से। इसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स की बात करें तो ये भी डोमेन और रियल नंबर होगा और रेंज होगा जीरो से पाई के बीच में, जीरो से पाई के बीच में ओपन इंटरवल। सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो ये क्या होगा, तो इसका डोमेन होगा यही माइनस इनफिनिटी से माइनस वन और यूनियन, थोड़ा ढंग से लिखते हैं, माइनस इनफिनिटी से माइनस वन और यूनियन वन से इनफिनिटी। यहां भी कोसेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो वो भी होगा माइनस इनफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इनफिनिटी। रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज होगा जो होगा जीरो से, सेक इनवर्स एक्स है तो ये पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं होगा, सेक एक्स पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं होता है, तो ये होगा जीरो से पाई, ठीक है, क्लोज इंटरवल बट पाई बाई टू को छोड़ के। इसी तरह से कोसेक इनवर्स एक्स के लिए होगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बट जीरो को छोड़ के, जीरो पे डिफाइंड नहीं होगा। तो जो इनका डोमेन है वो इसका रेंज है, ये बात आपको समझना है। तो डोमेन और रेंज ये दो चीजें आपको याद रखनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और डोमेन और रेंज के आधार पर ही हम इसको आगे बात कर सकते हैं। तो आगे बात करने के लिए हम आपसे शुरुआत करते हैं, फिर हम इसके ग्राफ के बारे में बाद में बात करेंगे कि इनके ग्राफ भी होते हैं, बट पहले छोटी छोटी बातें कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा हो तो आप एक्स को साइन थीटा लिख सकते हैं, और ये थीटा किसके किसके बीच में लाई करेगा, तो थीटा जो लाई करेगा वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। थीटा एंगल है और एंगल जो है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करेगा। ये आर्क साइन भी लिख सकते हैं, इसको आर्क साइन भी लिख सकते हैं। आर्क साइन का मतलब साइन इनवर्स एक्स, आर्क साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा देन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। आर्क का मतलब होता है इनवर्स ऑफ। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी आप साइन इनवर्स एक्स को वन अपॉन साइन एक्स या कुछ इस तरह का नहीं समझे, या इस तरह का नहीं समझे कि ये साइन एक्स है और उसका पावर माइनस वन है, ये सब नहीं होता। ये दोनों तो सेम है बट ये साइन इनवर्स एक्स के बराबर नहीं है, इसका और इसका मतलब सेम है लेकिन इन दोनों ही साइन इनवर्स एक्स के बराबर नहीं है। साइन इनवर्स एक्स एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और इस तरह से हम साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा लिखा हो तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं। दूसरी बात ये कि साइन इनवर्स साइन एक्स
इज इक्वल टू एक्स होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। इनवर्स फंक्शन तो है जिससे साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट आगे हो जाएंगे, ऐसे काटना नहीं है बट ये कट के एक्स रह जाएगा। इसी तरह से कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स इज इक्वल टू भी एक्स होगा। लेकिन ये साइन इनवर्स समथिंग क्या रिप्रेजेंट करता है? साइन इनवर्स समथिंग एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स यहां पर क्या है? एक एंगल है। अगर हम ये कहें कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स यहां पर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंगल किसके बीच में लाई करना चाहिए? व्हेन एक्स लाइज बिटवीन, कहां कहां से लाई करेगा? तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, तभी ये फॉर्मूला लागू होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो क्या होगा? एक्स एंगल है, और एंगल किसके किसके बीच में लाई करेगा जी? तो एंगल जीरो से पाई के बीच में लाई करेगा। टैन इनवर्स के बारे में कहें तो क्या कहेंगे? एक्स कहां लाई करेगा? तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करेगा, तभी ये फॉर्मूला होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला इसी तरह से और भी होंगे, जैसे कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सब में डोमेन वाली रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ेगी, है ना? तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये आखिर ऐसा होता कैसे है, ठीक है? तो हम अब देखते हैं कि ये कैसे होता है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू हमने एक्स होता है ऐसा कहा, आइए प्रूफ करके देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर हम साइन एक्स को थीटा पुट कर ले तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स थीटा होगा ना, साइन इनवर्स थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू रख देते हैं, थीटा किसको माना था? साइन एक्स को, तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, और यहां पर क्या है हमारा? एक्स। तो इसलिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या हो गया? एक्स। इसी तरह से कोई और पुट करके एक देख लेते हैं, जरा समझिए। अगर मैं कहूं कि कॉस कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा तो क्यों होगा, आइए देखते हैं। तो यहां पर भी हम अगर पुट कर लें कि कॉट एक्स इज इक्वल टू थीटा, देन एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स थीटा, कॉट इधर से इधर आके क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स, और थीटा की अगर हम वैल्यू रख दें यहां पर कॉट एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये प्रूव होगा। इसी तरह से बाकी भी आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं चाहूं कि कॉस इनवर्स का प्रूफ करूं, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हम पुट कर लेते हैं वाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू पुट कर लेते हैं वाई, एक मिनट इसको थोड़ा करेक्ट करके लिख दूं, कॉस और यहाँ कॉस थीटा को हम पुट कर दिए वाई, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स वाई। अब यहां पर कॉस इनवर्स है, वाई की वैल्यू रखते हैं, वाई क्या है? कॉस थीटा, तो क्या मिल जाएगा? थीटा। इसी तरह से बाकी भी जो बचे हुए तीन हैं उसको आप स्वयं करें, और स्वयं करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे बहुत कुछ आपको आसान लगेगा और आप आसानी से सीख पाएंगे। दूसरी बात, अब दूसरे टाइप का फॉर्मूला क्या हो सकता है? पहले साइन इनवर्स था, अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है तो क्या होगा? तब भी एक्स होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज ऑल्सो एक्स, टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स इज ऑल्सो एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज ऑल्सो एक्स, sec ऑफ sec इनवर्स एक्स इज ऑल्सो एक्स, एंड सिमिलरली cosec ऑफ cosec इनवर्स एक्स इज ऑल्सो एक्स। बट ध्यान देने वाली बात है,
साइन ऑफ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइन ऑफ सम एंगल इज वैल्यू, तो यहां पर एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वैल्यू साइन की किसके किसके बीच में होती है, ये कोई एंगल है, साइन इनवर्स एक्स कुछ एंगल है, और एंगल के है तो साइन की एंगल सहित साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ थीटा की वैल्यू किसके किसके बीच में होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। तो यहां पर एक्स की रेंज क्या होनी चाहिए, व्हेन एक्स बिलोंग टू -1 to 1, तभी ये लागू होगा। अगर 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा, तो 1 से ज्यादा होगा और -1 से कम होगा तो ये लागू नहीं होगा, क्योंकि उस पे डिफाइन नहीं होता। इसी तरह से यहाँ पे भी बात करें तो यहाँ पे भी क्या होगा, वही चीज होगा, कॉस के साथ भी वही रिस्ट्रिक्शन है जो साइन के साथ रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे व्हेन एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स, यहाँ पे साइन ऑफ थीटा, थीटा समथिंग क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है टेन, लेकिन रियल नंबर होने के साथ साथ साइन थीटा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर, दैट इज -∞ to ∞। यहाँ पे भी व्हेन एक्स बिलोंग टू एनी रियल नंबर, यहाँ पे एक्स क्या होगा, तो एक्स जो होगा साइन ऑफ समथिंग इज एक्स, दैट इज ये वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वैल्यू से थीटा किसके किसके बीच में आती है, -∞ से एक्स बिलोंग टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तभी होगा। यहां पर भी यही होगा, कोसेक के लिए एक्स बिलोंग टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, दैट इज -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। तो इस तरह से आप देख पाए अभी तक कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो तब भी एक्स होगा, और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हो तब भी एक्स होगा, लेकिन दोनों ही केस में कंडीशन अलग-अलग है। यहां पे कंडीशन अलग है, वहां पे कंडीशन अलग है। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स जब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो तो एक्स -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, और जब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है तो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, और जब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स है तब एक्स किसके बीच में होना चाहिए, तब एक्स जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। साइन इनवर्स पहले है तो ये रिस्ट्रिक्शन है, और साइन पहले है तो ये रिस्ट्रिक्शन है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं साइन ऑफ समथिंग, साइन 30 डिग्री क्या मिलता है, 1/2, तो 1/2 क्या है, वैल्यू, इसलिए वैल्यू जो होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। और अगर साइन इनवर्स ऑफ समथिंग इज एन एंगल, और एंगल किसके बीच में होगा, तो एंगल -π/2 से π/2 के बीच में होगा। तो ये दोनों ही हो सकता है, लेकिन दोनों के कंडीशंस अलग अलग हैं। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x होता है। इसी तरह से कोसेक इनवर्स एक्स अगर कहें तो ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x प्रोवाइडेड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, और सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स 0 के बराबर नहीं है तभी ये डिफाइंड है, मतलब प्लेन ट्रिग्नोमेट्री की तरह यहाँ पे पूरा फंक्शन निगेटिव रेसिप्रोकल नहीं होता, सिर्फ एंगल रेसिप्रोकल हो जाता है, कॉट इनवर्स 1/x एंड कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव के लिए भी वैलिड है, निगेटिव के लिए भी वैलिड है, लेकिन सवाल है कि ऐसा कैसे, हाउ, ठीक है, हाउ इज दैट, कैसे। सो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा पुट कर लेते हैं, प्रूफ करते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज 1/sin θ, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में रेसिप्रोकल होता है पूरा का पूरा फंक्शन। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कोसेक, इधर आके क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स हो जाएगा ना। तो
थीटा का मतलब है, पहले यहां पे लिख दूं साइन थीटा, और साइन थीटा का मतलब क्या है, वन बाई एक्स, दैट इज वन बाई एक्स, क्योंकि एक्स को आपने साइन थीटा माना है, साइन थीटा के बदले एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई एक्स हो गया, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स, कोसेक इधर से इधर आएगा तो कोसेक इनवर्स हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। और थीटा माना क्या था आपने, थीटा आपने माना था साइन इनवर्स एक्स को, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स। इस तरह से बाकी भी आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना, कर लेंगे ना, कर लेंगे नहीं कर लेंगे, हाँ हाँ कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, तो कर लीजिएगा। अगर नहीं तो एक और मैं करके दिखा देता हूं जरा आपकी सुविधा के लिए। जैसे टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा लिख दिया, फिर तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, टैन थीटा। कॉट थीटा कितना होता है, वन बाई टैन थीटा, ये बात किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है, तो टैन थीटा के बदले हम लिख सकते हैं एक्स, तो कॉट थीटा वन बाई एक्स हो गया। इसलिए थीटा कितना हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स वन बाई एक्स होगा ना, कॉट इधर से इधर आके कॉट इनवर्स वन बाई एक्स, और थीटा क्या है, टैन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स वन बाई एक्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। इसी तरह से बाकी भी खुद घर पे करें और करके आप एंजॉय करें, एंजॉय करें, मैथमेटिक्स भी कोई एंजॉय करने वाली चीज है, बिल्कुल है, थोड़ा सा समझ आए तो, नहीं समझ में आए तो इससे बोरिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, समझ में आ जाए तो इससे इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई जो आपको समझ में आना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि एक फॉर्मूला और है, फॉर्मूला के तौर पे इसे भी याद रख सकते हैं, क्या है ये, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज ऑल्सो पाई बाई टू, ये हो गया। आखिर ये क्यों होता है, तो आइए इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन एक का कर लेते हैं, किसी एक का, साइन इनवर्स एक्स को अगर हम थीटा मान लें तो एक्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इधर है एक्स, कॉस इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, और आप लिख सकते हैं इसको 90 माइनस थीटा, 90 को पाई बाई टू भी कहते हैं। तो अब थीटा क्या है, थीटा है आपका साइन इनवर्स एक्स, 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब ये साइन इनवर्स इधर निगेटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री को क्या कहते हैं, पाई बाई टू, तो इसलिए प्रूफ हो गया। इसी तरह से दूसरा भी प्रूफ कर सकते हैं, कोई और आप प्रूफ करना चाहें तो इसमें से कर सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, इसलिए टैन और कॉट की जोड़ी आपको यहाँ पे जमेगी, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, है ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, और ये सब फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। सेक और कोसेक का पेयर भी पाई बाई टू होता है, तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। दूसरी एक बात आगे पढ़ने से पहले, कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस टैन इनवर्स एक्स होता है, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स करने से क्या होगा, तो ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसा क्यों होता है जरा समझिए, एंगल निगेटिव है, एंगल क्या है ये, निगेटिव, तो वैल्यू भी क्या होना चाहिए, निगेटिव, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। आप चाहें तो इसको प्रूफ कर सकते हैं पिछले तरीकों के जैसे, कैसे करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, देन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। बोलिए, अब साइन थीटा को, इस माइनस को अगर मैं इधर भेज दूं, तो
ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हो साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, होता है ना, सिंस साइन माइनस थीटा प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस साइन थीटा। अब ये साइन इधर आके हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा, तो साइन इनवर्स माइन एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा का मतलब, थीटा का मतलब साइन इनवर्स, यानी माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, है ना। सो वी कैन राइट थीटा का मतलब है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस तरीके से ये ध्यान में रखना चाहिए कि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होता है, और यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब आप सोच रहे हो कि तो कॉस इनवर्स के साथ ऐसा क्या बात है कि पाई माइनस लिखा हुआ है, क्योंकि एंगल जो होना चाहिए वो जीरो से पाई के बीच में होना चाहिए, यहाँ पे एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए, इसलिए हमने माइनस थीटा लिखा, क्योंकि माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा जी, फोर्थ में। कैसे लाई करेगा फोर्थ में, यहां से एंगल इधर मेजर करते हैं तो ये क्या होता है निगेटिव, तो यहां से इधर अगर एंगल मेजर करेंगे तो ये होगा निगेटिव, इसलिए माइनस थीटा के लिए हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आए थे। अगला है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्यों ऐसा होगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स एटसेट्रा, क्यों, कॉस इनवर्स एक्स को हमने मान लिया थीटा माइनस एक्स को, ठीक है, तो इससे क्या मिल गया कि कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये हो गया माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स इज इक्वल टू कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा तो लिख नहीं सकते, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ माइनस एंगल आएगा तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसलिए निगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, निगेटिव वैल्यू आने के इसमें तो पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव वैल्यू या तो आएगा थर्ड में या आएगा फोर्थ में, सेकंड और थर्ड में, तो पहले यहां से कौन नजदीक पड़ रहा है सेकंड, इसलिए सेकंड ले लेंगे, तो सेकंड में एंगल को क्या लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा हो जाएगा। अब कॉस इधर आके हो गया कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा क्या है, थीटा है हमारा, थीटा किसको माना है कॉस इनवर्स एक्स को, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को, सो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये इधर आके प्लस हो गया और ये इधर आके माइनस हो गया पाई माइनस साइन कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो ये चीज भी आपको सीखना चाहिए। अब अगली बात, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स को हमें कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है, टैन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, किसी और फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं, कन्वर्ट साइन इनवर्स एक्स इन अदर फंक्शन, थीटा मान लिया तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया साइन थीटा। अब साइन थीटा होता क्या है, बेसिकली साइन थीटा हमारा होता है पी बाई एच, और दिया हुआ है एक्स बाई वन, इसका मतलब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पी एक्स के बराबर होगा और एच वन के बराबर होगा। अगर हम राइट एंगल ट्रेंगल की बात करें, ठीक है, तो ये होगा पी और ये होगा एच, है ना, तो बी क्या होगा, तो बी आ जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, इसका मतलब वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस है वन और पी है एक्स, यानी बी हो गया। अब आपको कॉस इनवर्स के टर्म्स में लिखना है, अब कॉस थीटा के बदले लिख सकते हैं, नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या, बी का मतलब अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और एच का मतलब वन, दैट इज अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इसलिए कॉस
थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयर फोर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा है क्या, थीटा है हमारा साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला हो गया, आप कहीं भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि दूसरे में कैसे कन्वर्ट करें। तो हम ये कह रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो लिया था थीटा, ये था एक्स, ये था वन, ये आ गया था हमारा वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब टेन थीटा में आपको कन्वर्ट करना था साइन थीटा को, तो टेन थीटा लिख सकते हो, क्या होता है पी बाई एच, तो पी क्या हो गया एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, पी बाई बी होता है। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स हो गया टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से, इसी तरह से आप कॉट के बारे में लिख सकते हैं, तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा क्या हो जाता, यही होता बी बाई पी, तो ये हो जाता, और थीटा हो गया कॉट इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये, और थीटा क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। इसके विपरीत अगर आप सेक थीटा लिखना चाहें तो सेक थीटा क्या होता है एच अपॉन बी, बी का मतलब ये, तो थीटा हो गया सेक इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा क्या है साइन इनवर्स, तो ये हो गया साइन इनवर्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। आप कोसेक इनवर्स एक्स भी लिखना चाहते हैं तो इसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन कोसेक थीटा लिखोगे तो क्या आ जाएगा एच बाई एक्स यानी वन बाई एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा इसी तरह से कॉस को दूसरे में बदल के देखो, कॉस को बदल के देखोगे किसमें, आप चाहो तो कॉस को बदल के देख सकते हो, जैसे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा मान लो, फिर ऐसे एक और करके देखते हैं ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब एक, तो इसका मतलब है कि x बाई वन बी बाई एच, तो b हो गया हमारा x और h हो गया वन, है ना। इसका मतलब ये अगर राइट एंगल ट्रेंगल है, ये थीटा है तो ये x है ये वन है, तो p क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। अब साइन इनवर्स में बदलना हो या टैन में बदलना हो तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टैन थीटा होता है p बाई बी वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, यानी थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। और थीटा है क्या कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ऐसा कन्वर्जन कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी सब भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक से दूसरे में। आई होप आप कर पाएंगे, कर पाएंगे ना, कर लेंगे नहीं कर लेंगे, हाँ ठीक है कर लीजिए। अब थोड़े से आगे और सीखते हैं, ज्यादा तो नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा, ये चीज थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है, आपको बेसिक समझना है, और बेसिक समझने के लिए ही ये सारी चीजें हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट नहीं है प्रूफ करना, बट अगर आप समझ के इसको आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ये प्रूफ करना कहीं आएगा नहीं, हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं इसलिए ताकि आपको बेसिक समझ में आए, और बेसिक समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। इसी तरह से अब प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता था कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता था, साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी होता था। साइन ए माइनस बी क्या होता था, याद है आपको? बताइए क्या होता था। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता था। अब प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा क्या हो, ये था, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कैसे होगा? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ये एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, दोनों को किस तरीके से लिखेंगे? तो एंगल पता नहीं है, इसलिए कैलकुलेट करने का तरीका होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस के बारे में अभी थोड़े बाद में बात करते हैं, बट पहले इसे सीधे सीधे समझाते हैं, फिर कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, अब इसको अगर कोई प्रूफ करने के लिए कहे तो आप आर एच एस से प्रूफ कर दीजिए, हमेशा ही आर एच एस से प्रूफ कर सकते हैं। एक्स को मान लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन ए एंड वाई इज इक्वल टू साइन बी। तो गिवेन एक्सप्रेशन क्या हो गया, गिवेन एक्सप्रेशन इज व्हाट, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ए, एक्स की जगह पे साइन ए, वाई के जगह पे साइन बी, तो वन माइनस साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी रूट के बाहर आके क्या हो जाएगा, कॉस बी, प्लस वाई के बदले क्या लिखना था हमें, साइन बी, और यहाँ वन माइनस एक्स के बदले क्या लिखना था, साइन ए, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, रूट के बाहर आके हो जाएगा कॉस ए। ये हो गया साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता था, साइन ए प्लस बी का, ऊपर लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। अब साइन इनवर्स ऑफ, ये हो गया साइन ए प्लस बी, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, थीटा ए प्लस बी, लेकिन साइन इनवर्स ऑफ समथिंग थीटा होता था, यानी ए प्लस बी थीटा कब होता था, जब थीटा किसके बीच में लाई करे, थीटा जो है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई करे। तो ए प्लस बी यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को, और एंगल किसके बीच में लाई करना चाहिए, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, दोनों का सम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए। ए क्या है जी, ए किसको माना है, साइन इनवर्स एक्स को, ए का मतलब हो गया साइन इनवर्स एक्स, बी का मतलब साइन इनवर्स वाई, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये है एलएचएस। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं ना। इसी तरह से अगर माइनस हो, माइनस होता है, जैसे दूसरा फॉर्मूला है तो उसमें माइनस है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो जाए तो यहाँ पे माइनस आएगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, क्यों, तब फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो माइनस में फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं आएगा। यानी दूसरा फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी तरह से साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज आपको जरूरी है समझना, और ये चीज आप समझ गए तो आप आगे डील कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और बता देते हैं, एक और फॉर्मूला होता है इसी तरह से, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा।
इसी तरह से टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होगा टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ये तभी होगा जब एक्स वाई एक से कम हो, क्योंकि ये पॉजिटिव एंगल है, ये भी पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव तभी होगा जब एक्स वाई एक से कम होगा। इसी तरह से टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई हो तो आ जाएगा टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। तो इस तरीके से ये फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं, फॉर्मूलों को याद रखना बहुत जरूरी है। उम्मीद है आप इन सारे फॉर्मूलों को याद कर लेंगे और प्रूफ भी करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? वैसे प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन प्रूफ करना इसलिए जरूरी है ताकि आपकी हैंडलिंग ऑफ दिस फंक्शंस, दिस काइंड ऑफ फंक्शंस विल बी कंफर्टेबल। तो x के जगह पर यहाँ पे पुट कर लीजिएगा cos a और y के जगह पे cos b। इसमें x के जगह पे tan a, y के जगह पे tan b। तो एक हम करके दिखा देते हैं tan का। पुट x इज इक्वल टू tan a, RHS से ही सबको करना है, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू tan b। देन द गिवन एक्सप्रेशन इज, गिवन एक्सप्रेशन इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन वन माइनस एक्स वाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ये हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, है ना। और चूंकि ये टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, इसलिए ए प्लस बी। लेकिन कब होगा? जब ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होगा, तभी ऐसा हो सकता है ना। तो ये a क्या है आप यहां से बताइए, tan इनवर्स x, b क्या है tan इनवर्स y। तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हो गया LHS। आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस के बारे में थोड़े समय बाद अगली क्लास में बात करेंगे, वरना कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। अभी थोड़ा क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है और क्यों है, इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अभी तक के लिए आपके पास काम ये है कि जितने ये फॉर्मूले आपने सीखे हैं, इन सब को आपको डिराइव करना चाहिए, खुद से डिराइव करना चाहिए, और खुद डिराइव करके और रिजल्ट कंक्लूड करना चाहिए, ठीक है ना। और सारे जो बेसिक फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो याद करके जब आप अगली क्लास में आएंगे तो अगली क्लास में और भी बातें होगी। तो पहला काम क्या है आपका, आपको डोमेन और रेंज याद रखना है। दूसरा काम क्या है, ये सारे फॉर्मूले ही याद करने हैं, और इसके साथ साथ आपको प्लेन ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले हैं, जैसे साइन टू ए का फॉर्मूला, कॉस टू ए का फॉर्मूला, टेन टू ए का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस सी का, टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, इस तरीके से आप इन सब फॉर्मूलों को याद कर लेंगे तो साइन टू ए साइन थ्री ए, कॉस टू ए कॉस थ्री ए, टेन थ्री ए टेन टू ए इत्यादि, ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये सब आप याद कर लेंगे तो आप अच्छी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीख पाएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आपको आधा से ज्यादा अधिकतर आता होगा, थोड़े से जो भूल गए होंगे उसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, और रिवीजन एक बार कर लेंगे तो बहुत अच्छा से हो पाएगा। इस लेक्चर में इतना ही, अगली क्लास में फिर हमारी मुलाकात होगी, और जो अगली क्लास में हम इससे आगे इसकी चर्चा करेंगे, तब तक ये सारे डेरिवेशन खुद कर लीजिएगा। अभी तक जितना जो कुछ बताया है ये सारा बेसिक है, बोर्ड में इसमें से डायरेक्टली कुछ नहीं आएगा, बट इसके ही एप्लीकेशन से आगे के क्वेश्चन आप सीख पाएंगे, इसलिए ये बताना बहुत जरूरी था। इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, और अच्छी तरह से करने के बाद सारे डेरिवेशन को अच्छी तरह से कर लीजिए, और करने के बाद फिर अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर हमसे पूछ लीजिएगा कल आकर के, ठीक है ना। और अगली क्लास में जब भी अगली क्लास होगी तो अगली क्लास में पूछ लीजिए, और फिर कहीं कोई दिक्कत रहेगी तो उसमें फिर बात करेंगे। रिस्ट्रिक्शंस की अभी बात हमने छोड़ रखी है, ये जैसा कि मैंने कहा है इसको क्यों होता है और किस तरह का रिस्ट्रिक्शन हर एक फॉर्मूले के साथ होनी चाहिए, जो शुरू वाले तो बता रखे हैं, बाद वाले जो हैं इनको हम
बाद में बताएंगे डिटेल में कि क्यों रिस्ट्रिक्शन होगा, अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा। ये सब जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, 12th के लिए बिल्कुल ही ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। जेई के लिए जरूरी है जानना, इसलिए उसके लिए हम आगे आपको बता देंगे। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस।